नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ हीना गौर और स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिजनेस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप में से बहुत लोगों ने बचपन में ये गेम खेली होगी, लेकिन बड़े होते होते हमें शायद इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भूल गए हैं। ये एक ऐसी गेम है जिसमें आप अपना 3 से 4 घंटा आप अपने बच्चों के साथ आराम से स्पेंड कर सकते हैं ये गेम खेलते खेलते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये हमारा बिजनेस गेम है। इसका रूल बता दूं मैं आपको कि इसमें मैक्सिमम 5 जन खेल सकते हैं, जैसे कि 4 प्लेयर और एक है उनको बैंक बनना पड़ता है। जैसे ये बैंक में बहुत सारे फंड्स है, उसको संभालना पड़ता है। सो एक जन को बैंक बनना पड़ता है, बट इट्स ओके अगर आप 2 जन भी हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी लोग खेल सकते हैं, बट मैक्सिमम 5 लोग खेल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नंबर 2 है कि जितने भी प्लेयर है उनको इस तरह से हमें फंड डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं थोड़े से। जैसे कि मैं पास से दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको कि ये 10,000 का कॉइन है, ये 5,000 का कॉइन है, ये 1,000 का कॉइन है, ये 500 का है, ये 100 का कॉइन है और ये 50 रुपीज का कॉइन है। तो वैसे बिजनेस गेम में ऐसे हर तरह के एक एक कॉइन आते हैं, तो ये जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं हमें उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है पहले। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि फिलहाल 2 ही प्लेयर खेल रहे, तो दोनों को हमने एक एक कॉइन दे दिया है। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ कार्ड्स है, जैसे कि अगर कॉइन्स खत्म हो जाए तो हम ये फंड यूज कर सकते हैं। और ये कार्ड है सब इस तरह से यहाँ पर दिया है उसके, जैसे जैसे हमारा जो ये है चलेगा घर, उस तरह से हमें ये जो भी परचेज करना है वो हम कर सकते हैं। तो परचेज करने के लिए यहाँ पे परचेज करने के बाद अगर किसी और का वहाँ पर आता है ये वाला डाइस, तो फिर आपको उससे रेंट लेना है। 200 रुपीज फर्स्ट टाइम का रेंट है, तो इस तरह से रेंट लेना है। और जब भी अगर आप जो भी कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल इंदौर है, तो यहाँ पर इंदौर आया है तो आपको 1500 रुपीज पे करने हैं इंदौर के लिए। और अगर आप उस पर होटल बनाना चाहते हैं तो आपको प्लस 2000 पे करना है, या हाउस बनाना चाहते हैं तो प्लस 2000 पे करना है। तो अगर सपोज आपकी यहाँ पर डाइस आई है, जैसे कि हम लोग ये एक चलाते हैं, ये जो रेड वन है उसका सपोज इंदौर है और ये प्लेयर को इंदौर लेना है, तो इनको 1500 रुपीज प्लस 2000 रुपीज उनको देना पड़ेगा, यानी 3500 हो गया। तो अभी इनके पास से 5000 रुपीज जो है हम लोग यहाँ से लेते हैं और वो बैंक में देते हैं, और 1500 जो रिमेनिंग बैलेंस है 1500 का वो उनको रिटर्न कर देते हैं। उससे होगा क्या कि इंदौर अभी इनका हो जाएगा, और यहाँ पे जो उन्होंने होटल बनाया है तो ऐसा उनका यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टैंड लगा देंगे होटल का। तो मींस अभी ये प्लेयर जो है उनका इंदौर में होटल बन गया है, तो जब भी कोई और यहाँ पर इंदौर पर आएगा तो वो रेंट ले सकते हैं उनसे। तो यहाँ पे जो रेंट है वो 200 है, बट अगर वो यहाँ उन्होंने यहाँ पे होटल बनाया है इसके लिए इसका रेंट हो जाएगा रेंट विथ होटल 3600। तो जब भी यहाँ से कोई पास होता है या यहाँ पर आ रहा है तो उनको 3600 जो है वो इस प्लेयर को देना पड़ेगा उसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताती हूँ कि इनका जो है ये ब्लू है, वो अगर ऐसे ऐसे खेलने के बाद अगर उनका भी इंदौर आता है, इंदौर में आते हैं वो, तो जो ये प्लेयर है इनको 3600 इस प्लेयर को देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे से 5000 रुपीज इन्होंने इनको रेंट दिया और रिमेनिंग बैलेंस उनको ये दे देंगे, और जो भी रिमेनिंग बैलेंस है 400 उनको देना है, 1400। तो इस तरह से इन्होंने इनको रेंट दिया है। ओके, सो उस तरह से आप चलते जाते हैं। वैसे वैसे आपको कुछ भी लेना है, आपके पास अगर फंड्स है तो आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गया रूल परचेज करने का। दूसरे रूल्स मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी डाइस आती है इनकम टैक्स पे, तो फॉर एग्जांपल अगर आप इनकम टैक्स पे हैं तो आपको बैंक को 50 रुपीज देना है।
तो ये 50 रुपीज जो है चार्ज वो आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। तो उस तरह से ये दूसरा है। और ये आता है चांस। तो यहाँ पे जो जो भी नंबर आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 है, तो अगर आप 4 में चांस पर आते हो तो यहाँ पर आपको देखना है कि 4 में चांस में क्या लिखा है। तो चांस जो है वहां पे 4 में लिखा है यहाँ पे कि फाइन फॉर एक्सीडेंट ड्यू टू ड्राइविंग अंडर लिकर इन्फ्लुएंस। तो अगर आप चांस में यहाँ पे 4 आया है आपको, तो यहाँ पे आपको 1500 रुपीज फाइन है जो कि आपको बैंक को देना है। तो अगर आप चांस पर आते हो, अगर जो भी नंबर से आप आते हो, अगर 4 की जगह पर 5 आता है और अगर आप चांस पे पहुंचते हो तो 5 आपको यहाँ देखने मिलेगा। यू हैव वॉन क्रॉस वर्ल्ड कंपटीशन प्राइज ऑफ रुपीज 1000। तो आपको 1000 जो है वो बैंक से लेना है, आपको 1000 रुपीज बैंक से मिल जाता है। और उस तरह से ये चांस में जो भी नंबर्स आते हैं वो आपको यहाँ पर देखने हैं। 2 में ये लॉस है, 4 में, 6 में, जो भी आपको आते हैं इसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। ये दो चांस के कॉलम है। दूसरा है कम्युनिटी चेस्ट। सो कम्युनिटी चेस्ट जो है वो यहाँ पर है। कम्युनिटी चेस्ट में भी सपोज आपको जो भी नंबर आते हैं, सपोज आपको 9 नंबर है और आप कम्युनिटी चेस्ट पर हो, तो ये आपको मेक जनरल रिपेयर ऑफ योर प्रॉपर्टीज, ऑल योर प्रॉपर्टीज आ गया है। तो अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, तो जैसे कि ये प्रॉपर्टी आपकी इंदौर है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको इसको इग्नोर करना है और आपको आगे बढ़ना है। अभी जैसे कि यहाँ पे ये कम्युनिटी चेस्ट और चांस, ये दोनों ही अनयूजुअल थे। और ये इनकम टैक्स, उसके अलावा अगर आपकी डाइस आती है रेस्ट हाउस पे, तो आपकी जो एक टर्न है वो स्किप हो जाती है। तो अगर आप रेस्ट हाउस पे आते हो तो सारे प्लेयर खेलने के बाद, दो बार खेलने के बाद आपका नंबर फिर से आएगा। तो इस तरह से उसकी रूल्स है। और एक और रूल्स है जो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी जो ये राइज है वो स्टार्ट से क्रॉस होती है, जितनी भी बार वो स्टार्ट से क्रॉस होगी आपको बैंक से 1500 रुपीज मिलते हैं, 1500 रुपीज आपको मिलते हैं जितनी भी बार आप ये स्टार्ट क्रॉस करते हो। फर्स्ट टाइम आप चलते हो, पूरा चलते हो, पूरा चलते हो, ये पूरा यहाँ से ही लेके यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद जब ये स्टार्ट से आप क्रॉस होते हो, तब आपको 1500 रुपीज कलेक्ट करना है बैंक से, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप धीमे 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 खेलते 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 अपने बहुत सारे परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत सारे यहाँ पे कार्ड्स है, आगरा है, जयपुर है, मद्रास है। वो लेने के बाद ये थोड़े टाइम के बाद ये जो गेम है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें कैसे रेंट मिलना शुरू हो जाता है। सो इसमें आप 3 से 4 घंटे आसानी से खेल सकते। तो ये है बिजनेस गेम आज के लिए। आप आराम से इसको खेल सकते हैं, बहुत इजी है इसको खेलना। तो आपने देखा कि इसको खेलना कितना आसान है। बस घर पे रहिए, सेफ रहिए और आपके बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। थैंक यू।